ओके सो हे हाय गाइस, दिस इज नट्स ओवर हियर एंड यू वाचिंग टेक्निकी गाइस। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी तगड़े कस्टमाइजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ गाइस। गाइस ये देख सकते हैं आप, मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा सा जो है वो कस्टमाइज कर रखा है। सो गाइस ये आपको हेल्प करेगा अगर आप बोर्ड है अपने फ़ोन से, आपको पसंद नहीं आ रहा है अपने फ़ोन का नॉर्मल लॉन्चर या फिर उसके आइकन्स, तो आप इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो गाइस। और मैंने काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस, काफ़ी मतलब कुछ एप्लीकेशंस ऐसे ऐड कर रखे गाइस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी डेली लाइफ में। जी हाँ, डेली लाइफ में गाइस। सो गाइस मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग पे कि आपको क्या करना है ऐसी कस्टमाइजिंग करने के लिए गाइस। सो बिना कोई टाइम गवाए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर वन की तरफ में गाइस, ठीक है। सो आपको पता होगा गाइस अगर कि पैलेक्स वॉलपेपर जो है वो क्या होता है, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मूविंग वॉलपेपर। ओके सो उससे आते हैं हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि है 3D पैलेक्स वॉलपेपर गाइस। इसमें होता क्या, आप फ़ोन को जैसे शेक करोगे, समझ लो आपने फ़ोन को टिल्ट किया, तो वॉलपेपर जो है वो उसके हिसाब से टिल्ट होगा। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऑप्शंस है गाइस आपके पास। मैंने इसमें से काफ़ी वॉलपेपर्स देखे और मुझे हर कुछ जो है, ऑलमोस्ट हर वॉलपेपर जो है वो मुझे पसंद आया, ठीक है। सो आप देख सकते हो सिंपली आप क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हो गाइस। ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी मोटी परमिशंस चाहिए होती है इसको और बूम इट्स अप्लाइड। ओके यहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ एड्स देखने के लिए मिलेंगे गाइस आपको, बट एड तो बनता है क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, ठीक है। देख सकते हो आप काफ़ी क्लासी लुक देता है गाइस ये अपने आपके फ़ोन जो है उसको, ठीक है। सो आते गाइज सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ जो कि है रिप्लाई बाय गूगल। ये गाइज एंड्रॉयड 10 में देखने के लिए आपको मिलेगा, बट ये आप अनऑफिशियली जो है उसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज ये करता क्या है, बेसिकली ये आपके फ़ोन को एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे आप नोटिफिकेशन से बिना कुछ टाइप किए रिप्लाई कर सकते हो। येस ऑफकोर्स बिना कुछ टाइप किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को निट्स भैया का मैसेज आया, ठीक है। तो मैं अब टाइप नहीं करूँगा गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे सजेशंस दे दिए मैसेज के अकॉर्डिंग। ये AI बेस्ड वर्क करता है गाइस। सो गाइस बढ़ते अगले एप्लीकेशन की तरफ जो कि है वायरल। गाइस ये फीवर नहीं है, ये एक आइकन पैक है। जी हाँ, आइकन पैक है। सो गाइस ये काफ़ी स्लीक लुक के आइकन्स जो वो प्रोवाइड करता है गाइस। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एक लॉन्चर चाहिए होगा, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल्स एजूस लॉन्चर, काफ़ी सारे लॉन्चर्स को सपोर्ट देता है ये गाइस। बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नोवा लॉन्चर जो कि काफ़ी अच्छा लॉन्चर है। सो गाइस अगला एप्लीकेशन जो है वो होगा ऑफकोर्स नोवा लॉन्चर गाइस। सो नोवा लॉन्चर जो है गाइस काफ़ी जूना एप्लीकेशन है, आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, बट गाइस ओल्ड इज गोल्ड, ये काफ़ी तगड़ा वर्क करता है गाइस। नो डाउट ये अभी भी प्ले स्टोर पे बेस्ट लॉन्चर्स में से एक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपना जो बिल्ट इन होम जो है, वो जो स्टॉक होम है उसे रिप्लेस करना है, तो आप नोवा लॉन्चर में बिना किसी चीज़ की सोचे समझे, कुछ भी बिना सोचे समझे आप आराम से जा सकते हो गाइस। ये आपको एनिमेशन स्पीड से लेके आपके फोल्डर के जो आइकन्स है वो तक कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है गाइस। इसे ऐड करने से आपको 3D टच मिलेगा। जी हाँ, 3D टच मिलेगा, एनिमेशंस मिलेगा और आप फोन को जैसे चाहिए लॉन्चर को वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइज अगली एप्लीकेशन जो है वो है MIUI i5। ओके सो गाइज हो सकता है मैंने इसे काफ़ी बेकार डिक्टेट किया हो, बट जो भी है गाइज एप्लीकेशन काफ़ी काम का है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलिंग जो है वो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से, कोई टेंशन नहीं है। और इसे छोटी मोटी परमिशन देने के बाद गाइज ये एप्लीकेशन रेडी है वर्क करने के लिए। आपको सेकेंडरी नोटिफिकेशन पैनल प्रोवाइड करता है गाइज, आप देख सकते हो मैं नीचे से मेरा नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर रहा हूँ। सो गाइस अगर आपको कभी ऊपर हाथ लेने का मन नहीं है तो आप नीचे से अपना काम जो है उसे कर सकते हो। अगला एप्लीकेशन जो है वो है एज मास्क, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसे ओपन करके अपना जो परमिशंस है जो आपको देना चाहिए वो दे देना है और ये आपको अलग एक नोटिफिकेशन लुक प्रोवाइड करेगा गाइस। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सैमसंग मोड और इसका जो डिफॉल्ट है वो अप्लाई कर रखा, और बाकी आपको इसमें जो है गाइस एप्पल वाला जो नोटिफिकेशन होता है गाइस, हाँ वो ऊपर से जो नीचे आता है वो भी आपको मिल जाता है गाइस। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना गाइस, हम हर किसके कमेंट का जो रिप्लाई देते हैं गाइस। और कोई भी आपको डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।